आई तीन हाथ काम करे काम करो ये लोकल पार्टी है, इंडिजिनस पार्टी है। हम लोग लोकल लोग बात करेंगे, बाहर के लोग सुनेंगे। नेशनल पार्टी में बाहर से लोग आते हैं और हमको प्रवक्ता देते हैं, ठीक है। लेकिन तिपरासा को बाहर का आवाज नहीं सुनना है, बाहर के लोगों को, दिल्ली को तिपरासा का आवाज सुनना है, दिल्ली को तिपरासा को, और नहीं बताना है क्या अच्छा क्या गलत है। अब टाइम आया है कि हम अपना बात रखेंगे और अपने लोगों का अपना प्रॉब्लम दिल्ली को बताएंगे। दिल्ली को हमारा बात मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उन्हीं का नुकसान है। मैं यहाँ में प्रोग्राम है हम लोगों का 12 तारीख को, तो ग्राउंड में क्या प्रिपरेशन है वो देखने आया था। अच्छा बात है, सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दुख का बात ये है कि हमने स्पोर्ट्स काउंसिल को फुल पेमेंट किया लेकिन स्टेज हमें नहीं दिया गया। CPM के प्रोग्राम के लिए स्टेज दिया जाता है, लेकिन जब तिपरा मोथा प्रोग्राम करता है तो हमें स्टेज का परमिशन नहीं दिया, हम अलग से स्टेज बना रहे हैं। यहाँ में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है जिससे पब्लिक को डिस्टर्बेंस होगा, हमारे लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम इसके लिए ये बनाया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा है इस महीने। तो दुख का बात है क्योंकि गवर्नमेंट शुड बी फेयर टू एवरीवन, सबके संग आपको फेयर होना चाहिए। मुझे लगता था कि ये गवर्नमेंट कम्युनिस्ट के खिलाफ है, लेकिन अब लगता है कि ये मोथा के भी खिलाफ है। कितने लोग आने की उम्मीद करते? लास्ट टाइम जितना आया था उतना ही उम्मीद करता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगेन चैलेंजेस है। मैंने सुना है कि सिंडिकेट हर जगह में गाड़ी नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए सबको अनुरोध करता हूँ, जिसको आना है दूर से एक रात पहले आ जाए, और जिसको आना है और हमारा बात सुनना है, हमारे मूवमेंट में एक होना है, तो आप डरो मत। ये आपका टाइम है, सिर्फ 2 महीना बाकी है। आप आओ, शांति से आओ। अगरतला में कोई रैली नहीं होना चाहिए, यहाँ में गैदरिंग है। अगरतला में रैली, कोई स्लोगन नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, कोई धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। तिपरासा यहाँ में शांति से आएगा, शांति से अपना बात रखेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड रखेगा और शांति से वापस घर जाएगा। हम पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि बुकुंगबारा लोग सिविलाइज्ड हैं और बिना बंदूक का भी हम अपना आवाज संवैधानिक शांति से, संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें हमारा सम्मान है। हम त्रिपुरा में शांति चाहते हैं, हम त्रिपुरा में भाईचारा चाहते हैं, और हम अपना अधिकार के लिए शांति से लेकिन जोर से विदाउट कॉम्प्रोमाइज अपना बात रखना चाहते हैं। तो ये मेरा मैसेज सबको है। 12 तारीख को प्रोग्राम है, जल्दी होगा, कोई रैली नहीं होगा, गैदरिंग होगा यहाँ में। कहीं में स्लोगन देने का दरकार नहीं है, किसी को प्रोमो करने का दरकार नहीं है। हम अपना मैसेज दिल्ली को भेज रहे हैं, यहाँ के लोगों को डराने के लिए हमने कुछ नहीं किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम त्रिपुरा में शांति चाहते हैं। बाहर का आदमी क्यों? बाहर का आदमी को सुनना चाहिए। लोकल, ये लोकल पार्टी है, इंडिजिनस पार्टी है। हम लोग लोकल लोग बात करेंगे, बाहर के लोग सुनेंगे। नेशनल पार्टी में बाहर से लोग आते हैं और हमको प्रवक्ता देते हैं, ठीक है। लेकिन तिपरासा को बाहर का आवाज नहीं सुनना है, बाहर के लोगों को, दिल्ली को तिपरासा का आवाज सुनना है, दिल्ली को तिपरासा को, और नहीं बताना है क्या अच्छा क्या गलत है। अब टाइम आया है कि हम अपना बात रखेंगे और अपने लोगों का अपना प्रॉब्लम दिल्ली को बताएंगे। दिल्ली को हमारा बात मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उन्हीं का नुकसान है।